मुर्गी और साथ में ये चूज़ा हमारा अभी अंदर ही है, तो दूसरे जानवर अभी अंदर ही हैं। छोटे बच्चे जो हमारी काली असील मुर्गी के हैं वो अभी अंदर ही हैं, उनको छोड़ा नहीं बाहर। तकरीबन दोपहर का टाइम है तो अभी मौसम तो ठीक है, मेरा ख्याल है थोड़ी देर इनको बाहर निकाल देते हैं। मैं सुबह घर नहीं था तो घर उन्होंने थोड़ी देर निकाला है और उसके बाद उन्हें अंदर बंद कर दिया है, तो मेरा जहन है अभी थोड़ी देर इनको बाहर घूमने फिरने देते हैं। सुबह तो उन्होंने आटा वगैरह तो खिलाया था, लेकिन घूमने के लिए जो टाइम है वो इनको बहुत कम मिला है, तो इनको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर अभी बंद है तो अभी इनको बाहर निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत होंगे। दोस्तों अपने मिलाक आगाज़ कर दें, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। पसंद आए तो भाई साहब लाइक कर बहुत ज़्यादा दबा देना। दोस्तों अभी तकरीबन है आज जुमा को, तकरीबन सेकंड टाइम हो चुका है, मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मौसम है दोस्तों। ना तो धूप है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश नहीं हुई दो दिन से, मुसलसल यहाँ पे बारिश उतरी हल्की हल्की होती रही है, जिनसे ये हुआ है कि जनाब गर्मी का जो जोर है वो टूट गया है। तकरीबन सभी परिंदे जो हमारे जानवर है जितने भी हैं उधर मिनी जू पे और इधर भी सभी जनाब बहुत है माशाल्लाह ठीक है। गर्मी की वजह से बड़ा बुरा हाल था, पहले तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मुसलसल लगातार गर्मी पड़ने की वजह से जानवर को बड़ा मसला बना है। इसी वजह से हमारा वो जो दूसरा जानवर था डकनी तितर का बच्चा था वो भी मर गया, साथ हमारी ईरानी मादी थी एक उधर मिनी जू पे, हमारे दूसरे सेटअप पे उमर भाई के पास, तो वो भी जनाब एक मर गई। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चे बहुत छोटे थे अभी मुर्गी के, तो ये अभी ठीक है, इन लोगों को मसला नहीं बना, अल्लाह का शुक्र है। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि सारा दिन को ख्याल भी अच्छा रखा जाता था डेली इनके, मतलब सुबह तीन दिन में तीन से चार बार इनको पानी भी पिलाया जाता था और साथ में इनके दाने खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया था। तो ये जगह ठंडी है, यहाँ पे ये अभी मतलब ये किचन बनाई है डेरे की, तो इसमें एक जगह मैंने केज बनाया हुआ था जिसके अंदर ठंडी जगह है, तो सारा दिन इधर ही बैठे रहते थे, शाम को निकलते या सुबह निकलते, इसकी वजह से जनाब इनके केयर अच्छी हुई है तो ये बच गए। बाकी जो जानवर थे हमारा जो डकनी तीतर का बच्चा था वो बहुत लॉस हुआ है, बड़ी शौक से लेकर आया था, बड़ी दूर से लेकर आया था भाई से, तो माशाल्लाह अभी बड़ा काफ़ी बड़ा हो गया था, तकरीबन को डेढ़ माह का हो गया था, वो अचानक जनाब गर्मी में उसका पोटा बंद हुआ है तो वो मर गया। साथ में मैं उधर सेटअप पर गया हूँ उमर भाई के पास, तो वहाँ पर पता चला कि जनाब हमारी जो ईरानी माता थी वो भी जनाब मर गई है, तो कोई बात नहीं अल्लाह खैर करेगा, हमारा दूसरा पेड़ लगा हुआ जनाब ईरानी माता और साथ में डकनी तीतर का, तो जनाब अभी उनको ग्रास कर रहा है, तो जल्द ही वो भी अंडे देंगे इंशाल्लाह, मौसम अच्छा है तो बच्चे निकालेंगे तुम्हारे पास जनाब, बच्चे बच्चे हो जाएंगे डकनी तीतर के, वो बच्चे हो जाएंगे साथ में ईरानी के। तो ये मुर्गी के 12 बच्चे हैं जनाब, इनको बाहर भी निकालते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा मेरा ख्याल है, साथ में फसलों में छोड़ते हैं जनाब, ये दाना वगैरह या कीड़े वगैरह इनको खिलाते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर तक काम जाना है, तो मेरा ख्याल है जनाब इनकी पहले केयर जो है ना अच्छी तरह कर लें, इनको खिला पिला लें, तो उसके बाद इनको बंद करना है, क्योंकि खुला नहीं छोड़ते दोस्तों, ये बिल्कुल अभी छोटे हैं, बड़े होते जनाब फिर भी सारा दिन घूमते रहते बाहर, अभी बिल्कुल छोटे हैं तो फिलहाल इनको जनाब हम सारा दिन बाहर घूमने नहीं दे सकते, तो इसलिए अभी इनको बाहर निकालते हैं। ये चेक करें यहाँ पर बंद है, इनको मैं बाहर निकालता हूँ। ये देखें दोस्तों मुर्गी पहले बाहर निकलेगी जनाब जाम लगा के, ये जनाब चेक करें बच्चे माशाल्लाह कितने हेल्दी, अभी ठीक है, ये अभी एक हफ्ते के हो गए जनाब, देख लें इन्होंने छोटे छोटे पार भी निकाल लिए हैं। अभी ये दरवाज़ा थोड़ा सा साइड पे करते हैं, किस तरह ये इंडियन का अगर इनको बंद किया हुआ है ये साइड पर करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं जनाब। तो चेक करें मुर्गी जैसे ही बाहर निकली जनाब उनको साथ में बुला भी रही है, ओटे तो जनाब इनके बिल्कुल फुल है, मेरे ख्याल है जिन्होंने पेट भर के खाया वो तो है, इनको आटा खिलाया था जनाब ठीक है, भूखे तो नहीं है, लग रहे हैं कि भूखे नहीं है, किसी जगह पकड़ के चेक करते हैं दोस्तों, बल्कि इसको हम तो पकड़ेंगे दोस्तों। ये देखें इनका पोटा फुल है, ये फिलहाल भूखे नहीं है, लेकिन ज़रूरत जो इनको है वो है बाहर घूमने की जनाब, थोड़े से एक्टिव नहीं है क्योंकि इनको बाहर काम छोड़ा गया है, अंदर ही बांध रखा गया है। ये आप चेक करें जनाब, आपको महसूस हो रहा होगा कि इनका जो पोटा है वो मैदा जो इनका है वो फुल है, आटा वगैरह खिलाकर सुबह घरों ने ख्याल किया होगा, मैं तो घर नहीं था तो मैं अभी पहुंचा, तो मेरा ख्याल है अभी इनकी जनाब हम देखभाल कर लेते हैं, मेरे ख्याल से करनी चाहिए क्योंकि मौसम अच्छा है, इनको बाहर छोड़ेंगे जितना बाहर दोस्तों छोड़ेंगे जितनी ही जल्दी ज़्यादा ये नशोनुमा करेंगे इतनी ही ज़्यादा ये अच्छी ग्रो करेंगे, मट्टी में बाहर खेलेंगे, कीड़े वगैरह खाएंगे, जो आटे की नस्बत दाने की नस्बत दोस्तों जो कीड़े मकौड़े होते हैं वो इनकी सेहत लिए अच्छे होते हैं। दोस्तों ये हमारी जवानी मुर्गियाँ, अभी इनको थोड़ी देर पहले मैंने आटा वगैरह खिलाया ठीक है। दोस्तों ये काली मुर्गी हमारी पट्टी जो है ये बेचारी बीमार हो गई थी दो दिन पहले, बड़ी मुश्किल से जनाब ये अभी रिकवर हुई है, अभी माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी है, कोई मसला नहीं है, इसको मैंने एक दो इंजेक्शन लगाया दोस्तों डेक्सा का और साथ में B12 मिला के एक इंजेक्शन छोटा सा बना के दिया था, मैंने चेक किया तो मुझे महसूस हुआ इसको बुखार है हल्का हल्का, तो ये बिल्कुल इधर चार पाई के ऊपर बैठी हुई थी ठीक है, अभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है एकदम परफेक्ट, मैंने पहली देर थोड़ी देर पकड़ के इसको चेक किया है, ना तो इसके अभी इसको बुखार है दोस्तों, ना कोई और मसला है, अच्छा खासा खा पी रही है और बिल्कुल ठीक है जनाब। बाकी हमारी काली मिर्ची दोस्तों देख लें, दिन ब दिन जनाब रंग निकाल रही है, अच्छा काला स्याह रंग निकाल रही है, पर इसके इस तरह चमक रहे न्यू पर हैं तो इस तरह चमकते हैं जैसे जनाब मोर के पर मोर के जो पंख होते हैं वो चमकते हैं धूप में, देखें जनाब गौर से
आपको महसूस होगा, ये देखें ऊपर बिल्कुल जनाब मोर के पंखों की तरह जनाब चमकते हैं दोस्तों। बाकी सभी जानवर हमारे आजाद होते हैं सारा दिन, जापानी मुर्गियाँ साथ में, ये काली मुर्गी साथ में, ये मोती और ये पट्टी भी, तो बाकी जितने भी जानवर सेटअप हैं दूसरे उधर हमारे दूसरे सेटअप है उमर भाई के पास, तो ये फिलहाल जानवर मेरे पास हैं, फिलहाल मैं इनका ही ख्याल रखता हूँ। बाकी उधर छोड़े में चूँकि उनका ख्याल टोटली उमर भाई रखता है, वो घर ही होते 24 घंटे, तो वो उनका ख्याल रखते हैं दोस्तों। देखें जैसे बाहर निकले जनाब, इन्होंने अच्छी तरह घूमना फिरना शुरू कर दिया है, और इधर उधर जनाब पैर अच्छी तरह पाँव मार के जनाब ये देखें किस तरह कीड़े वगैरह ढूंढ रहे हैं। तो बस ये इनकी सेहत बहुत अच्छा होता है, जितनी जल्दी ये मतलब अगर हम चाहते हैं कि अच्छी ग्रो करें दोस्तों, इनको बाहर हमें छोड़ना पड़ेगा, हम इनको बंद करके अंदर 24 घंटे केज के अंदर बंद करके हम इनकी अच्छी ग्रो नहीं कर सकते, ये बड़ा मसला होता है। ये जानवर जितना अच्छा बाहर घूमेगा खाएगा कम, लेकिन जो हेल्दी है ना वो ज़्यादा अच्छा होगा, इनका वेट भी बढ़ेगा, जल्दी ग्रो भी करेंगे। देखें अभी आपको लग रहे होंगे, मैं करीब से दिखाऊंगा कि इनके जो पंख हैं जो पार हैं वो बड़े हैं अपने साइज़ से, बाकी जो इनका वेट मतलब वेट के हिसाब से जितनी इनकी मतलब हड्डी बना चुके हैं, जितना ये अपने जिस्म की सामत इसकी है उसके हिसाब से जो इनके पंख है वो बड़े हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं साइज़ इनका छोटा है, पंख बड़े होते जा रहे हैं। यही मसला है कि ये फ़िलहाल अच्छी ग्रो नहीं कर रहे, ये अच्छी ग्रो करेंगे ऐसे करेंगे जब इनको खुला छोड़ेंगे जनाब, ये कीड़े वगैरह खाएंगे उनमें प्रोटीन होती है, जितनी जल्दी वो मतलब अगर ग्रो करेंगे उतनी अच्छी ये ग्रो करेंगे, जितना अच्छा है मतलब ये प्रोटीन खाएंगे। वो देखें जनाब किसी को चीज़ मिल गई है, वो देखें किस तरह भाग रहे हैं जनाब, वो देखें इसको मिला कुछ, ये दूसरे भी भाग रहे हैं जनाब बाहर निकलते ही, जैसे ही मैंने बाहर छोड़ा है देखो जनाब इधर उधर, अभी इनको थोड़ी देर फसलों में छोड़ूंगा तो वहाँ पर काफ़ी सारे कीड़े होते हैं जो खाएँगे और जल्दी इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। दोस्तों गर्मी की वजह से मोती का बुरा हाल है सारा दिन जनाब, चल इसको मैं लेफ्ट बहुत कम कराता हूँ, कराऊँ तो जनाब देखो आगे के चलता जाऊँगा ये मेरे पाँव में आता जाएगा, चल चल हाँ कर दिया चल, बड़ा तंग करता है, अभी थोड़ी सी लेफ्ट कराऊँ जहाँ देख पाँव पाँव पे आता जाएगा, चल हाँ चल कैसे बैठ बैठ के आ रहा है, आप दूर से देखेंगे ना आप तो बिल्कुल नीचे बैठ के आ रहा है कमांडो की तरह, कमांडो एक्शन करता जनाब, चल अच्छा। गर्मी दोस्तों गर्मी में बड़े कमज़ोर दिल होते हैं गर्मी के, ठीक है जैसे सर्दी आएगी इंशाल्लाह इनका अच्छा खासा ख्याल करेंगे, इनको अच्छा मीट देंगे, गोश्त खिलाएंगे, और गोश्त खाने के बाद जनाब ये बहुत ज़्यादा हैवी इसका वेट भी बढ़ेगा और अच्छी ग्रो भी करेगा और इनका कद भी और बढ़ेगा। अभी बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल नौजवान है, ये फुल अभी कुत्ता नहीं बड़ा, लेकिन अगर अभी छोटा सा है फुल कुत्ता भी तैयार नहीं हुआ। दोस्तों देख लें चूज़ा कितना बड़ा हो गया है, मेरे ख्याल से 3 मंथ का हो गया, लेकिन फ़िलहाल भी उसको मुर्गी छोड़ नहीं रही, यही इसकी अच्छी निशानी होती है असीलों की कि ये अपने बच्चों को बहुत जल्दी छोड़ती नहीं है। दूसरे जो जानवर होते हैं देसी वगैरह वो अपने बच्चों को जल्दी छोड़ देते हैं, जो असील होते हैं वो जब तक खुद को संभालने के लायक काबिल नहीं होते, अच्छी तरह बड़े नहीं होते, वो बच्चों को छोड़ते नहीं। देख लें ये कितना बड़ा हो गया अभी माशाल्लाह, अभी मेरे ख्याल से इसकी जो एज होगी 2 से 2.5 मंथ होगी, होगी जब बच्चे निकले होंगे, मैंने आपके वीडियो आपके साथ वीडियो शेयर की होगी तो तब से आप देख सकते हैं कि अब तक इसका कितना टाइम, इसकी एज कितनी होगी, और माशाल्लाह अच्छी ग्रो की है और बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, सारा दिन मुर्गी अकेली इसको मतलब इसका ख्याल रखती है, इतने उधर उतने बच्चे हैं 12, तो इधर सिर्फ ये एक ही इसका मुर्गी जो है ना अच्छा ख्याल कर रही है, माँ जो है वो सिर्फ एक पे ही फोकस कर रही है, तो उसके हिसाब से अच्छी इसकी ग्रो है, अच्छा मसला मतलब वेट भी अच्छा है, कद भी अच्छा है। आई थिंक दोस्तों ये नारी बनेगा मादा नहीं बनेगा, जितना मैंने इसको चेक किया, इसकी आवाज़ चेक की है, जिस तरह ये चलता है फिरता है दूसरे जानवरों के साथ मतलब थोड़ा गुस्सा भी करता है, मेरे ख्याल से ये नारे मादा नहीं है। वो देखें दोस्तों हमारी दूसरी मुर्गी जो है आहिस्ता आहिस्ता फसलों की तरफ जा रही है, उधर इसको लेके चलते हैं। दोस्तों पट्टी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अभी बड़ा परेशान किया, मैं तो बड़ा परेशान हो गया था एकदम, जैसे ये बीमार हुई मैंने देखा तो ये बिल्कुल 4 पैर के ऊपर आगे बैठ गई जनाब, कोई हरकत नहीं, कोई काम नहीं जनाब, बड़ा परेशान हो गया, तो ये तो मेरी शौक वाला जानवर है तो इसको क्या हो गया, तो मैंने फ़ौरन उसको पकड़ा जनाब, आधी गोली पैनाडॉल की दी, साथ में 12B और डेक्सा जो है छोटे छोटे इंजेक्शन होते दोस्तों उनको थोड़ी को जनाब लगाया, और इंशाल्लाह देखें माशाल्लाह अभी बिल्कुल फिट है, कल इसका लगाया था और आज बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, ना तो बुखार है ना कोई टेम्परेचर है, एकदम फिट जनाब, अच्छी तरह इसने खाया पिया है और बिल्कुल आज़ाद घूम रही है, अभी ये बिल्कुल हेल्दी है, कोई मसला नहीं है। देखें जनाब किस तरह आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हैं उधर फसलों में, वहाँ पर जनाब फसलों के अंदर दोस्तों काफ़ी कीड़ा वगैरह होता है, तो जो कीड़े होते हैं उसमें प्रोटीन जो होती है वो भरी होती है, प्रोटीन से भरे होते हैं, वो जितना खाएँगे उतनी इनकी सेहत अच्छा है। ये देखें जनाब मुर्गी पीछे जा रही है, हमने इसको पीछे तो नहीं लेकर जाना, दोस्तों चेक करें एक चूज़ा कैसे फंस के जनाब इधर बैठ गया, आप चेक करें ऊपर से उतरा नीचे तो ये ईंट के साथ फंस गया जनाब, इसको भी जनाब निकालते हैं यहाँ से, ईंट जैसे ही छोड़ेंगे ये जनाब चेक करें ये इधर ही फंस गया था, अब इसकी इसकी माँ के पास छोड़ते हैं, वो सामने इसकी माँ खड़ी उधर भाग चला गया। देखें दोस्तों कितने यहाँ पर कीड़े वगैरह हैं, ये उनको खा रहे हैं जनाब, किस तरह जनाब ये कीड़े
कीड़े के एक छोटे से सुराख है जहाँ पे मकौड़े वगैरह होते हैं। किस तरह जनाब इन्होंने अटैक किया देख। और तेरी खैर भाई, सभी जनाब एक एक पकड़ के जनाब साथ में अपना बचाव भी कर रहे हैं, क्योंकि मकौड़े जो हैं वो चमड़े साथ में पाँव को जो ना फुल जनाब पकड़ लेते हैं और काटने की कोशिश भी करते हैं। ये बड़े सख्त होते हैं दोस्तों, मकौड़े जो होते हैं काले रंग के। तो इधर नहीं यार, ये तो अच्छी बात नहीं है, कोई दूसरे कीड़े वगैरह खाएँ, इनको तो नहीं खाना चाहिए। चलो भाई इधर उधर चलो, फसलों में दोस्तों छोड़ते हैं। ये देखो जनाब एक को पकड़ के जनाब कैसे घूम रहा है, इसको उसने मुँह से पकड़ लिया है। दोस्तों साथ में जो कीड़े हैं मकौड़े उन्होंने भी इन पर हमला कर दिया है। दोस्तों जो साथ में मकौड़े हैं उन्होंने भी चूज़ों पे हमला कर दिया है, तो अभी उनको उधर लेके जाओ। तो देखें अभी बाहर छोड़ा जनाब कैसे सब्ज़ा भी खा रहे हैं, उधर इन्हें कीड़े वगैरह खाएँ और साथ में सब्ज़ा भी खाएँगे। बस यही इनको अच्छा है, इनके हेल्दी और इनको ग्रो करने के लिए ये एक बड़ा फार्मूला है कि इनको खुला छोड़ा जाए। दोस्तों आप अगर आप इसको बंद करके जितनी अच्छी खुराक डाल लें ये जल्दी ग्रो नहीं करते, जितना अच्छी ग्रो करते हैं जनाब खुला रहेगा। तो हम भी जनाब इस तरह इंशाल्लाह डेली इनको सुबह शाम निकालेंगे और इनको अच्छी ग्रो इनकी करवाएंगे। वो सामने जनाब देखें किस तरह मसरूफ़ है अपने खाने पीने में, बिल्कुल जनाब मसरूफ़ फिर रहे हैं, कीड़े वगैरह इनको मिल रहे हैं वहाँ पर काफ़ी और साथ में सब्ज़ा भी। दोस्तों आज की वीडियो जितनी थी, आई होप ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों बहुत जल्द इस चैनल पर आप लोगों को एक ऐसा शौक करने को मिलेगा, ऐसे ऐसे क्वालिटी वाले जानवर दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे सेटअप फिरूंगा। मतलब हमारे इलाके में जितने भी कमाल के दोस्तों यहाँ पे बड़ा अच्छा शौकीन था मुर्गबाजी का, परिंदों का, तोतों का, साथ में बड़े अच्छे कमाल के कबूतर, हर नस्ल का फैंसी जिसमें हर नस्ल के कबूतर है, वो भी आप लोगों को शेयर करूँ। मैं बहुत जल्द दोस्तों एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें जितने सेटअप हमारे इलाके में हैं साहिवाल का, मतलब जितना भी बड़ा इलाका है यहाँ पर जितने बड़े शिकारी रहते हैं, मैं आप लोगों को उनको मिलूंगा, उनका इंटरव्यू भी करूँगा, उनसे पूछेगा कि कब कितना टाइम हो गया आप लोगों को शिकार करते हुए, आप शौक कब से कर रहे हैं, उन शौक का क्या मजा है। ठीक है, तो उनके जानवर दिखाऊंगा और हमारे इलाके के जितने भी टॉप क्वालिटी वाले जानवर हैं सभी सभी आप एक एक करके एक पास जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा और आपको शौक कराऊंगा। तो आपने करना है वीडियो को शुरू से लेकर एंड देखिएगा दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छा शौक करने को मिलेगा और शौक भी करेंगे और इंटरटेन भी होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक और मज़ेदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।